हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की हमारी राशि है कुंभ और आज हमारा जो विषय है, जो सब्जेक्ट है हमारा सूर्य भगवान। सूर्य भगवान आपके 13 तारीख को, 13 अप्रैल 2024 को और आपके उच्च के हो चुके हैं 9:04 पर रात्रि में और 14 मई 2024 तक ये आपके उच्च के रहेंगे। ठीक है, तो जो हमें एक महीना अब ये मिला है सूर्य भगवान को जगाने का, मतलब सूर्य भगवान से काम लेने का। सूर्य भगवान तो जाग गए अपने आप में, ठीक है ना। जो हमारी किस्मत जगाने का जो हमें मौका मिला है उसे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको उसे समझना है। और उपाय बहुत छोटा सा है, एक लोटा जल। ठीक है, कितना बड़ा उपाय है और कितना महंगा उपाय है आप समझ सकते हो। एक लोटा जल, बस ये आप ऐसे समझ लें। ठीक है, चलिए। तो आपकी कुंभ राशि है जिसके स्वामी शनि होते हैं, शनि देव होते हैं और कहाँ पर हुए हैं, मेष राशि में आपके सूर्य भगवान उच्च के हो गए हैं और ये परिश्रम का आपका क्षेत्र है, परिश्रम का ये आपका भाव है। तो समझ सकते हैं सूर्य भगवान का यहाँ पर उत्पन्न होना, यहाँ पर उदय होना, उच्च का होना अपने आप में आपकी कुंडली के हिसाब से क्या ये काम करेंगे, कैसा आपके जीवन में फ़ायदा मिलेगा, क्या होगा। आपने देखा होगा जब भी कोई योद्धा लड़ाई करता है तो लड़ने के बाद उसे देखा होगा, जो लड़ता है, मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद वो चमकता है ना। तो ये हमारा जो क्षेत्र है, ये जो हमारा भाव है, ये हमारा वही भाव है। ये कौन सा भाव है? हमारा परिश्रम का भाव है। ठीक है, ये जो भाव है हमारा परिश्रम का भाव है। यहाँ मेहनत करने का मतलब समझते हो आप, यहाँ मेहनत करने का मतलब हो गया जितने भी लड़ाके होते हैं जब अपना कहीं भी नाम कराते हैं, नाम उनका उसमें होता है, किताबों में जब नाम लिया जाता है, किताबों में नाम उन्हीं लोगों का लिया जाता है जो लोग परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। ठीक है, तो आप समझो इस बात को। ठीक है, तो सूर्य भगवान आपके कहाँ पर उचके हो गए हैं? यहाँ पर मेष राशि में उचके हो गए हैं और जो इनकी दृष्टि पड़ रही है, दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य भाव पर, यानी भाग्य भाव पर, आपके धर्म भाव पर। तो आप समझें, आपको भाग्य को चमकाने का, भाग्य को पूर्ण रूप से इसका साथ लेने का, जहाँ सूर्य भगवान आपके क्या है, सूर्य भगवान आपका तेज है, आपकी आत्मा है ना। सूर्य भगवान जहाँ भी रोशनी डालते हैं वहाँ प्रकाश प्रकाश हो जाता है, ठीक है ना। और अपना ग्रहों के राज, आपके राजा भी हैं। ठीक है, तो राजा का पूर्ण रूप से जो आपको साथ मिलने जा रहा है, उस राजा का अगर आपने पूर्ण रूप से साथ का फायदा उठा लिया तो आप अपने जीवन में वो काम कर लेंगे जो आप सोच नहीं पाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब इनकी रोशनी यहाँ पड़ रही है सीधी। अच्छा, दूसरा इनकी जो अपना ये देखते हैं, ये भाव भी इनका ही हो गया क्योंकि 5 नंबर की यहाँ पर आ रहा है। तो 5 नंबर का मतलब हो गया ये आपके व्यापार का, व्यवसाय का हो गया, यात्रा का हो गया, आपका पत्नी का हो गया, पार्टनरशिप का हो गया। तो इनसे जो आपको फ़ायदा पहुँचेगा, इनसे आपको यहाँ भी फ़ायदा पहुँचेगा और इनसे यहाँ भी फ़ायदा पहुँचेगा। अब हमें ये देखना है कि इनसे हमें फ़ायदा क्या लेना है, कैसे लेना है। ठीक है ना, तो यहाँ मतलब हो गया, या व्यवसाय पे जितने भी लोग अपना व्यवसाय इस समय करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो व्यवसाय आप कोई भी इस समय लगा सकते हैं। एक महीने का जो वक्त मिला है आपको, तो एक महीने में जो काम आपके रुके हुए थे, जितने भी काम आप सोच रहे थे कि नहीं हो रहे थे या जिसमें आपको परिणाम नहीं मिल पा रहा था पूर्ण रूप से, वो परिणाम आपको यहाँ मिल सकते हैं। चाहे तो आप ये मेहनत करके इस समय इनसे फ़ायदा ले सकते हैं क्योंकि इनकी सीधी रोशनी सीधी यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर भी पड़ेगी इनका भाव। ठीक है ना, तो अब इसका जो फ़ायदा लेना है आपको, ये फ़ायदा उठाओ और फ़ायदा उठा के अपनी ज़िंदगी को चमका लो, अगर चमका सकते हो आप। भाग्य पे जब आपकी इनकी सीधी दृष्टि पड़ रही है तो भाग्य का मतलब हमारा ये हो गया कि अगर हमारा किसी भी आदमी का भाग्य पूर्ण रूप से साथ दे रहा है, भाई हम मेहनत करते हैं, होता क्या है हमारे साथ, भाग्य हमारा पूर्ण रूप से साथ नहीं दे रहा होता है। उस वक्त मेहनत तो हमने बहुत ज़्यादा करी लेकिन क्या होता है, 99 जाकर काम अटक जाता है। क्यों? कहीं ना कहीं भाग्य का मान लो, किस्मत का मान लो, कैसे मान लो आप, लेकिन जब भाग्य को चमकाने का काम सूर्य भगवान कर रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ से आप वो काम इनसे करा लेंगे जो हम सोच नहीं सकते। ठीक है ना, अच्छा, ये क्या है, ये हमारा मेहनत का हो गया, परिश्रम का हो गया, भाई का हो गया, यात्राओं का हो गया, पत्नी के सुख का हो गया। ठीक है ना, जब पत्नी का सुख भी यहाँ से हमें मिल गया तो आप समझे हमारे, इसका मतलब हमारा परिवार भी कहीं ना कहीं यहाँ से संबंधित हो गया है ना, तो यात्रा भी हमारी संबंधित होगी कहीं ना कहीं से। जो हम यात्राएं करेंगे इस समय, किसी भी काम की अगर हम यात्रा करना चाहते हैं, कोई व्यापार संबंधी यात्रा करना चाहते हैं, तो उसका हमें यहाँ फ़ायदा होगा। ठीक है ना, यहाँ इनकी सीधी पड़ रही है, भाई आपकी पार्टनरशिप पर पड़ रही है, आपके स्पाउस पर पड़ रही है और आपकी यात्राओं पर भी पड़ रही है, ये भी आपका वो कॉलम हो गया। ठीक है ना,
तो अब आप अंदाजा लगाएं कि जब इन सब चीजों से हम इतना फायदा ले सकते हैं तो हमें कितना फायदा होने जा रहा है। अच्छा, हमें काम क्या करना है इस समय? काम हमें कोई बड़ा निराला काम नहीं करना भैया, सुबह उठ के सिर्फ एक लोटा जल देना है। क्या कर देना है? सिर्फ एक लोटा जल सूर्य भगवान को अर्घ देना, इतना सा कार्य है, एक महीने का काम है। एक महीने में जो आप कहते हो कि हमारे काम नहीं हो रहे, हमारे काम नहीं हो रहे, हमारी किस्मत नहीं चमक रही, इतने दिन से बुरा हो रहा है, इतने दिन से अच्छा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, अरे तो भैया एक महीना ये काम कर लो आप चुपचाप ईमानदारी से अगर कर सकते हो। जहाँ इतना विश्वास करते हो, हम पे करते हो या किसी और पे करते हो या नहीं करते हो, जो भी है, तो थोड़ा सा एक विश्वास करके देख लो कि हाँ भाई हमें सूर्य भगवान को कैसे चमका, सूर्य भगवान की जो लालिमा निकल रही है, जो लालिमा ले सकते हो उसकी, जो उसका प्रकाश ले सकते हो, उसके प्रकाश से अपना जीवन चमकाने का जो काम कर सकते हो आप कर लो। कोई बहुत बड़ा वो नहीं है इसमें लॉजिक, ना कोई न्यूटन का लॉ हमने बताया आपको, ठीक है ना। हमने एक छोटा सा कार्य आपको बताया कि भैया यहाँ भाग्य पर आपकी सीधी वो पड़ रही है, आपके धर्म पर सीधी यहाँ पड़ रही है, आपके काम पर आपके पड़ रही है, व्यवसाय पर इनके सीधा पड़ रहा है। तो इन चीज़ों से ये सब चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं चमकने का काम हो सकता है। परिश्रम क्षेत्र में वे स्वयं बैठे हैं तो परिश्रम में आपके कमी नहीं होगी। जो आदमी मेहनत करेगा, मेहनत करने के बाद उसका नाम 100% रोशन होगा। क्यों रोशन होगा? क्योंकि कौन बैठा है? ये बैठा है, सूर्य बैठा है। लड़ रहे हो आप, लड़ रहे हो के बाद जो आपको फल मिलेगा, उसका फल आपको 100% मिलेगा और सफलता जीवन में निश्चिंत मिलेगी। बहुत छोटी सी आपकी वो है, इसे हल्का सा काम कर लें। और कोई हमारा आज समझाने का काम आपको नहीं है इतना लंबा चौड़ा, हमारा टू द पॉइंट आपको सिर्फ हम समझाना चाहते हैं कि सूर्य भगवान इस समय उच्च के हो गए हैं 13 तारीख को आपके, और सबसे बड़ी बात क्या है, बर्थ के टाइम में हो गए हैं। तो धर्म के उसमें आप जो 2-4 दिन आपके पास बचे हैं, जिन लोगों ने नवरात्रों के व्रत नहीं रखे हैं तो वो भी रख सकते हैं इस समय, ये सोच कर चले आप। बहुत से लोग क्यों रख सकते हैं ये हम बता रहे हैं, क्योंकि सूर्य भगवान का इस समय उच्च का होना आपकी कुंडली के हिसाब से, सबकी कुंडली के हिसाब से बड़ा मतलब अच्छा है, ये समझें आप इसे। और 14 मई 2024 तक ये उच्च के रहेंगे। एक महीना अगर आप इनसे पूर्ण रूप से कहीं फ़ायदा उठा सकते हैं तो प्लीज़ उठा लें, हमारा आपसे सिर्फ यही निवेदन है, ठीक है ना। अपना इस क्षेत्र को भी सही कर लें और इस क्षेत्र को भी सही कर लें, दोनों क्षेत्रों में इनकी जहाँ रोशनी पड़ रही है, ठीक है, यहाँ इनकी सीधी दृष्टि पड़ रही है, इस दृष्टि का पूर्ण रूप से फ़ायदा ले लें, ठीक है। बस आज वीडियो इतनी है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बनाई है हमने, सिर्फ टू द पॉइंट बताई है। और कितना बड़ा उपाय बताया? सिर्फ एक लोटा जल बताया भाई, ठीक है। एक लोटा जल भगवान सूर्य को अपना अर्पण कर दें, उसे अर्घ दे दें, बस इतना कार्य कर लें, ठीक है। जैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, ओम सूर्य नमः कर सकते हैं, ओम गणेश अध्याय नमः कर सकते हैं, जैसे आपका मन करे, जिस रूप से आप अपने भगवान को मनाना चाहते हो वो आप मना लें, ठीक है। बस इतना ऐसे, क्योंकि इसका भी साथ मिल रहा है और आपको कुंभ भी आपके शनि भगवान की स्वयं का हो गया, वो भी यहाँ बैठे हैं, उनका भी साथ मिल रहा है, पूर्ण रूप से साथ मिल रहा है, इन दोनों का साथ मिलकर अपना फ़ायदा उठा लें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।